फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज जो है उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक समाप्त हुई थी और उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं, और वो निर्णय कौन कौन से हैं मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उसमें जो निर्णय हैं वो हैं जॉब से संबंधित कुछ निर्णय हैं जिनका हम विशेष कर कि उन पे हम जोर देकर बात करेंगे। तो अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि राज्य कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसमें 32 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें से 30 पर कैबिनेट ने फैसला लिया है। वो जल्दी से शॉर्ट लिस्टेड में बता दूंगा, लेकिन मैं फोकस उन्हीं पॉइंट पर करूंगा जो रोजगार से संबंधित है। तो पहला जो है कि कोरोना काल में अन्य राज्यों में आयोजित एक दिन के सत्र का दिया गया था हवाला, ये तो अपने को छोड़िए। दूसरी जो है वो मेन मुद्दा हमारे लिए कि एमएसएमई में भारत सरकार के लिए बदलाव, राज्य सरकार ने केंद्र के लिए बदलाव लागू किए। जैसे आपको पता है कि एमएसएमई के तहत स्वरोजगार के लिए जितने भी ऋण या लोन वगैरह दिए जाते हैं उसमें ये सारे आते हैं, तो ये हमारे काम की बात है। तो इसीलिए ये निर्णय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। अगला है कि उत्तर प्रदेश अधिकारी वेतन भत्ते में मंत्री खुद देंगे इनकम टैक्स, अब विधानसभा अध्यक्ष खुद जमा करेंगे। आज ये अपनी जगह है, बाकी आप इससे देख सकते हैं। मसूरी में राज्य अतिथि गृह बनेगा, देन केदारनाथ पैदल मार्ग में भूमि का अधिग्रहण, देन सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहना, देन सिंचाई विभाग हर निर्माण, पेयजल निगम। हाँ, अब हम जो हमारे आठवीं है जो हमारे लिए है कि पेयजल निगम में एमडी के चयन भरने की अनुमति, तो हायर लेवल की है तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। उसके अलावा चिकित्सा शिक्षा नियमावली को मंजूर, जैसे कि आपको पता है कि सबसे महंगी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो मैं अगर मैं गलत नहीं तो उत्तराखंड में 800,000 पर ईयर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मेडिकल की फीस है। तो इसमें भी नियमावली में संशोधन की बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। उसके अलावा संस्कृत निदेशालय में डीजी के पद पर मंजूरी, और देन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है 11 नंबर की, अगर पीडब्ल्यूडी में संविदा से कार्यरत कनिष्ठ अभियंता को 15,000 से 24,000 मानदेय को मंजूरी दे दी गई है, यानी कि 15,000 से 25,000 के बीच में उसको मानदेय दिया जाएगा। आई थिंक 25 के ऑलमोस्ट है। तो 11 नंबर की भर्ती जो 11 नंबर का जो निर्णय है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा अगला अध्यावेक पूर्व सैनिकों के जीसीओ रैंक। उसके अलावा जो 14 नंबर की जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण है कि शहरी विकास विभाग में ईओ के पद को लेकर फैसला किया गया है, किसी भर्ती जल्दी जल्द आपको देखने को मिलेंगी। इससे आपको पता है इसमें शहरी विकास में लिपिक के वर्ग पे भर्तियाँ चल रही हैं, लेकिन उसमें भी बहुत बड़ा झोलमोल है, और वो झोलमोल कौन है उसका हमने स्पेशल वीडियो बनाया है एक्सक्लूसिव, तो आप जाके चैनल को विजिट कीजिए, अदरवाइज आई डन उसको आपका लिंक मिल जाएगा। अगली जो है वो मैं आपको बता दूं कि तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम बदल, यानी कि अब उत्तराखंड टेक्निकल विश्वविद्यालय का नाम बदल कर वीर माधव सिंह भंडारी के नाम पर किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये सब निर्णय लिए गए हैं, और जैसे कि आपको पता है हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट नियमावली में जो कैबिनेट ने पास किए थे हमने उसके बारे में चर्चा की। तो आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा लाइक बटन को दबा दें, बाकी चैनल पर नया आया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।